तो मेरा मिनी जापान बन रहा है। अब बहुत लोगों ने मजाक उड़ाई थी मेरी, लेकिन आज वो शब्द आपने सच कर करके दिखा दिए। हम इस नए संसद भवन की लोकसभा और राज्यसभा को देखकर उत्सव मना रहे हैं, मुझे संतोष है। दोस्तों, दिल्ली की भयंकर बारिश ने सड़कों को जलमग्न करने के साथ साथ नई संसद भवन की छत और सीढ़ियों को भी अपने चपेट में ले लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में संसद भवन के अंदर से पानी टपकता दिख रहा है और बाहर सीढ़ियों के पास जल भराव है। जनता के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या ये टपकती छतें सोच समझ कर डिजाइन का हिस्सा है या फिर निर्माण की खामियों का नतीजा है। कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मामले पर तंज कसते हुए कहा कि नई संसद भवन की लॉबी में पानी टपक रहा है, यह इमारत नरेंद्र मोदी के अहंकार का प्रतीक और 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद और भी हिलने लगी। उनका यह बयान सीधे तौर पर नई संसद भवन की निर्माण गुणवत्ता और मोदी सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए अपने हैंडल से वीडियो साझा किया है और कहा है कि इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चलें, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। उनका यह बयान स्पष्ट रूप से नई संसद भवन की कमियों और पुरानी संसद भवन की व्यवहारिकता को दर्शाता है। भाजपा सरकार ने नई संसद भवन को आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बताते हुए इसे देश के विकास का एक महत्वपूर्ण कदम माना था, लेकिन पहली ही बारिश में जब छत से पानी टपकने लगा और सीढ़ियों पर जल भराव हो गया तो जनता ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। यह स्थिति न केवल निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठा रही है, बल्कि यह भी दर्शा रही है कि क्या वास्तव में इस नई संसद भवन को बनाने में इतनी बड़ी राशि खर्च करना आवश्यक था। जनता की प्रतिक्रिया इस मामले पर तीखी रही है। कई लोग सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं, यह पानी नहीं है, अमृतकाल का अमृत टपक रहा है। यह स्थिति साफ करती है कि जनता अब सरकार से जवाब चाहती है कि इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी नई संसद भवन की यह हालत क्यों। नई संसद भवन की यह स्थिति भाजपा सरकार की निर्माण योजनाओं और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यह आवश्यक है कि सरकार इस मुद्दे पर संज्ञान ले और निर्माण में हुई खामियों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए। आखिरकार यह जनता के पैसे से बनी इमारत है और जनता को ही इसके लिए जवाब चाहिए। इस पूरी घटना ने न केवल संसद भवन की गुणवत्ता को उजागर किया है, बल्कि सरकार की निर्माण और योजना प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए। जनता की उम्मीदें अब सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस मुद्दे को कैसे सुलझाती है। फिलहाल दोस्तों, वायरल हो रहे इस वीडियो पर अखिलेश यादव की इस टिप्पणी पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय कॉमेंट में साझा करें। धन्यवाद।